और यह साहब से भी कर दिया था। कनाडा से एक साहब थे जो वहां के एक बहुत मारूफ टेलीविजन चैनल को ओन करते हैं, मालिक हैं उसके। मुझे नहीं था पता कि ये कौन है। उन्होंने मुझे फेसबुक पे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और रैंडमली जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और आपके प्रोफाइल पे बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते होते हैं, और यही बड़ेपन की निशानी है। तो मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट उस वक्त आई जब मैं और ये साथ साथ वो प्रोग्राम छोड़ चुका था। तो उन साहब का मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता और ना ही मैंने उनके इदारे का नाम लेना है, लेकिन क्योंकि बात ऐसी है और बात बताने वाली है तो बात बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे कॉल की। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहा कि मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ, मैं पक्का मुसलमान हूँ और मैं आजकल कनाडा में मुकीम हूँ। तकरीबन 35 साल मुझे हो गए हैं यहाँ रहते हुए, और आप माशाल्लाह बड़े स्ट्रगलिंग हैं, आपका बड़ा ज़बरदस्त फेस है, आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप जैसे नौजवानों से हमें बहुत उम्मीदें हैं, आप जैसे नौजवान ही हैं जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ये सारी चिकनी चपड़ी बातें उन्होंने मुझसे करना शुरू कर दी, और फिर बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर अकलियतों के साथ क्या हाल है। मेरा कहना यही था कि पाकिस्तान में अकलियतें दीगर ममालिक की नस्बत बहुत बेहतर तरीके से रह रही हैं, और यहाँ पर इतने मसाइल नहीं हैं जितने कि आप इंडिया में जाके देखते हैं, जितने बांग्लादेश में हैं या जितने वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोप में हमें देखने को मिलते हैं। फिर बातों बातों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में कुछ अकलियतें हैं जिनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, जैसे ईसाई हैं या जैसे कादियानी या अहमदी हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं उनकी बात का मतमय नजर समझ नहीं पा रहा था। फिर इन्हीं बातों बातों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार आपने और ये मकबूल जान साहब को 3-3.5 साल कैसे भुगत लिया, वो तो इंतहाई फंडामेंटलिस्ट किस्म के आदमी है और इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के आदमी है। मैंने उनकी ये बात भी सुन ली और खामोशी से सुनता रहा। फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप चूंकि यंग ब्रीड हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एज एन एनालिस्ट आप मेरे प्रोग्राम पे और मेरे चैनल के मुख्तलिफ शोज के ऊपर अपीयर हुआ करें और हम आपको इसका मौका देंगे। मैंने जब उनकी बहुत सारी बातें सुन ली थी तो खुद ही यहां पर मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहां से है और कोई खास वजह, क्योंकि मैं अभी बहुत यंग आदमी हूं, मैं एज एन एनालिस्ट या तजियाकार बैठ नहीं सकता उस पर। फिर उन्होंने कहा कि इस बात को छोड़ें, आप क्या अब इतनी डिटेल में जाना आपने शुरू कर दिया है, अच्छा आप ये बताएं कि आप मैरिड हैं या नहीं है। अब ये जो पर्सनल लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ बंदा इतनी जल्दी किसी से टेलीफोन पर पहली कॉल के ऊपर शेयर नहीं करता होता। तो मैंने तरद्दुद किया और मैंने उनको नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आप को हम जो है ऑफर कर रहे हैं कि आप यहां पर आ जाएं कनाडा में, आपको इस चैनल के अंदर हम शेयर्स भी दे देंगे, आप खूबसूरत से खूबसूरत कैनेडियन शहरी कोई भी लड़की उसका नाम ले दें, हम उससे आपकी शादी कराने को भी तैयार हैं, और आप अगर कहें तो आपको नॉर्मल फ्लाइट्स की बजाय चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए यहां पर लाया जाएगा, आपको वो प्रोटोकॉल देंगे कि दुनिया आपके ऊपर अशश कर उठेगी, आपको दुनिया में कहीं कोई मसले मसाइल नहीं हुआ करेंगे। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैंने कहा यार मुझे क्यों ऑफर कर रहा है ये बंदा और इस ऑफर्स के पीछे मामला है क्या। तो मैं बातों बातों में फिर मैंने पूछना शुरू कर दिया, मैंने कहा हुजूर वाला ये इतनी नजरे करम मेरे ऊपर ही क्यों, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने इतनी स्ट्रगल की है, वो स्ट्रगल के सारे मामला, मैं बसों में ट्रेवल करने वाला आदमी, फिर गाड़ी पे आया, फिर छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर अल्लाह ने इज्जत दी, हक हलाल की कमाई से बहुत कुछ कमाया है, लेकिन ये आप जो चार्टर्ड प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स की बातें, 3-3 खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते, ये क्यों कह रहे हैं आप मुझे। उन्होंने कहा बस आपको कुछ नहीं करना, आप जो है एक दफा कनाडा चक्कर लगा लें, और अगर आप ज्यादा इंसिस्ट करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं, आपने बस एक काम करना है कि आपने खत्म नबूवत के ऊपर बात नहीं करनी। ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ और अगले लम्हे मैंने लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिया। खत्म नबूवत पे बात ना करने का मतलब, वो साहब कादियानी थे, उनकी आईडी और उनके जो डिटेल्स थी उसकी तमाम तक तफसीलात फिर मैंने निकलवाई। तो वहां के वो बहुत ही बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं अहमदियों के, उन्होंने मुझे कॉल की थी और कॉल करके मुझे इतनी पुरतायुश किस्म की ऑफर देकर
अपने दीन से हटाना और अपने अकीदे से हटाने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला गवाह है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की वबा चल रही, पता नहीं कल किसका वक्त हो किसका ना हो, मैं बात अपने दिल में लेकर फिर रहा हूँ। मुझे बात आपको बतानी चाहिए थी कि इस तरह के एक्ट्स होते हैं, लोगों को इस तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है, उनको बड़ी पुरतायुश ऑफर्स की जाती हैं ताकि वो अपने अकीदे से हट जाएं। लेकिन ख़त्म नबूवत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मा मानना, इस से हटने वाला एक तो हमारे दायरा इस्लाम से ही खारिज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो दायरा इंसानियत से ही खारिज है। क्योंकि जो जो बंदा बिलीफ नहीं रखता, जिस बंदे का अकीदा मजबूत नहीं है, उसके लिए कितना ही पैसा क्यों ना सामने रख दिया जाए। तो उस फेज में तकरीबन मैंने 6-7 महीने बेरोजगारी के काटे और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। इस दौरान मैंने उमरा भी किया और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी। जो तजलियात, जो अनवार और जो राज मेरे ऊपर उस वाक़े के बाद अफशा हुए, वो मैं इस वक्त इस वीडियो लॉग के जरिए बताना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे वो दिखा दिया अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, शायद दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखा हो। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ये मेरा YouTube चैनल है, शायद आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे नंबर्स लग जाएंगे, आप ना कीजिए इसको। थिंग इज, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर का इंसान क्या है और मैंने उस वाक्य के बाद